कंफर्म बना रहे हैं कि इट इट्स फ्री एंड ओनली टेक अब यहां पे जो है हमारा नाम फर्स्ट नेम, तो अब मैं टाइम आ गया है हमें इसको कलर करने का, ये पूरे को सिलेक्ट कर लिया हमने एक बड़ा सा एरिया, बाद में जो फालतू एरिया है उसको हटा दूंगा, बैकग्राउंड कलर में गए और इसकी हमने बैकग्राउंड कलर कर दी। एक कलर था ए वाली कलर है, और ये जो है ये हमारा ग्रे, इसका जो फॉन्ट कलर है ग्रे कलर है, सॉरी फॉन्ट कलर है। उसके बाद नेम, तो हमने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे फर्स्ट, सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, देखिए क्या होगा, हमने बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया। जब बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट किया तो इस तरह से एक फॉर्म टाइप करने वाला फॉर्म बन गया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा चौड़ा ऊपर वाला है कि ये थोड़ा सा छोटा करता हूं, और सेम इसको चाहो तो तुम कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब इसके बीच में लाइनिंग है, दिख रहा होगा लाइनिंग आपको, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में हम जा रहे हैं और फॉर्मेट सेल में हम यहाँ पे बॉर्डर के अंदर में आप देखिए यहां से इसका जो कलर है ना हम ग्रे में ले लेंगे थोड़ा सा लाइट, और ये चारों तरफ का कलर ए वाला मोटा वाला थोड़ा ले लेता हूँ, दिख रहा है ना थोड़ा सा अलग इफेक्ट आ गया। और यहाँ पे आपके पास F4 होता है जो कि करंट लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब यहां से एक लाइन छोड़ा हमने, अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत हम कर रहे हैं, हमने बना तो रहे हैं लेकिन हम बैकग्राउंड कलर इसका जो है ग्रे कलर जो है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर आपको यहां दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहां पे गए फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट नहीं होते ये सही है, और ए जो है बिल्कुल व्हाइट कर दीजिए आप, अब सही रहेगा। तो टाइम थोड़ा सा लगता है जब भी कोई फॉर्मेट डिजाइन आप करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है, समझ गया सर। अब ये जो क्यों बता रहा हूं इसके पीछे रीजन, अभी एक चीज मैं बताने वाला हूं, ये जितना फॉर्मेट डिजाइन कर रहा हूं उसी के लिए डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें एक चीज आपको समझानी है, बाकी फॉर्मेटिंग जो है आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे एक फॉन्ट बनाने, इसमें हमें फॉर्मेट हमने तैयार कर दिया और चीजें भी हो सकती है इसमें, जरा स्टार के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो मैटर हमने लिखा है इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं ताकि दिखे। बाकी चीजें भी लिख सकते हैं, बटन वगैरह सब बन सकता है, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि इसके अंदर ये जो हमें लिखा हुआ ना फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम कैसे लिखाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम मैनुअल लिख दिया, तब लेकिन जब मैं टाइप करने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, मैं चाहता हूं कि जब टाइप हो तो हट जाए फिर वो नॉर्मल आ जाए, जैसे कि गूगल पे होता है, गूगल सीट पे होती है ना, जैसे कि मैं लीजिए मैं जीमेल ही खोल लेता हूं, जैसे दिख रहा है सर्च ऑल करने, जब क्लिक करता हूं तो टाइप करता हूं तो हट जाता है, फिर डिलीट करता हूं फिर वापस आता है, हट जाता है फिर वापस आ रहा है ना सर।
सेम थिंग यहाँ पे ये जो ऑटो सजेशन है, मैं चाहता हूँ कि टाइप करते ही हट जाए ऐसे नॉर्मल दिखे। ये चीजें एक्सेल में हो नहीं हो सकता, लेकिन हम करते हैं छोटी सी ट्रिक की मदद से। वो ट्रिक क्या है, चलिए हम आपको इस पे बताते हैं। तो ट्रिक से है कि इससे पहले वाले कॉलम को एकदम छोटा कर लीजिए, ठीक है। अब जो टाइप करना है हमें यहां टाइप करना है, छोटे वाले कॉलम जो है वहां पे, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। अब इस फर्स्ट नेम को कलर जो है ग्रे कर देते हैं और एक टॉप एंड मिलर कर देते हैं, सेंटर दे देता हूं। और यहां से आपको इननेम दिख रहा है, इस इननेम को क्लिक करके हम पोजीशन कर लेते हैं कि आखिर हमें टाइप कहाँ करना है। और सेम थिंग यहाँ, ये थोड़ा सा छोटा हम करते हैं इसको, अब यहां पे साइड में और छोटा करेंगे इसको, और साइड में यहां लिखते हैं लास्ट नेम, और इसको भी यहाँ पे और मिडल कर दिए और इसका कलर ग्रे कर दिए और इसको यहां से इंडेंट करके यहां पहुंचा दे, ठीक है। और ईमेल आईडी के लिए भी यहां भी सेम ईमेल आईडी, और यहां भी हमने क्या किया, इसको किया, इसको किया, उसको कलर ग्रे किया और आगे की तरफ मूव कर दिया। ओके सर, अब देखिए यहाँ पे कलर लिखना है हमें, तो इसको नॉर्मल कलर और बोल्ड कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया बोल्ड, इसको सेलेक्ट किया बोल्ड, तीनों को सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मिडल अप कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेम में मैंने पूजा लिखा, तो पूजा दिख रहा है, जैसे पूजा को डिलीट कर रहा हूं फर्स्ट नेम आ गया, पूजा फर्स्ट नेम आ गया, सिंह, समझाया सर। तो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो इसी तरह की विजुलाइजेशंस को यूज करते हैं ताकि रिपोर्ट हमारा अट्रैक्टिव बने और उसको हम अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो जयवर्धन जी, गौरव जी, समझ में आया? आनंद जी, समझ में आया आपको चीज? हाँ सर, आया समझ में। अभी बाकी फॉर्म आप लोग खुद से पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा करने जाऊंगा तो टाइम फेल होगा जी सर, ठीक है। तो विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि रिपोर्ट को आप अपने हिसाब से तैयार करें जो आपका जरूरत है। बाद बाकी जो टूल्स है एक बार समझ लेते, ये आपका बॉर्डर है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्लो चार्ट बनाना पड़ जाता है, तो हम ड्रॉ बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझे? क्या दिख रहा होगा ड्रॉ बॉर्डर, हम अपने हिसाब से इसको लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। कभी कभी हमें अपने अपने हिसाब से जरूरत पड़ती है ना, तब इस तरह से करते हैं सर, दिख रहा है सर? इसमें सेम एक लाइन रखेंगे तो इस तरह से डबल आ रहा है, इकट्ठा बॉर्डर चेंज करें और यहाँ पे, तो इस तरह से आप अपनी बॉर्डर को भी डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अब ये करने का फायदा क्या होता है कि जैसे कि आपने डिजाइन किया, जब आप प्रिंट आउट देते हैं ना, तो ये आपका जो बॉर्डर ड्रॉ किया हुआ है ना, वही आपको दिखता है, बाकी डेटा नहीं दिखता है। अब एक चीज, अब यहाँ दिख रहा है ना मेरा डेटा, आधे दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा इतना दिखे जो मेरा प्रिंटेबल है, बाकी जो एरिया है उसे कोई लेना देना नहीं, मुझे इतना ही दिखाना है। उस एरिया को सिलेक्ट करके यहीं पे आपको आता है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं, जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपका जो प्रिंटेबल है वही दिखेगा, बाकी चीजें नहीं दिखेगी, ठीक है। या फिर आप इसको कर सकते हैं विड्थ में फिट टू वन पेज, जब इसको आप प्रिंट कीजिए तो कितना भी डेटा बड़ा क्यों ना एक पेज पे फिट कर देगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है,
तो इस तरह की बॉर्डर का भी यूज हम लोग करते हैं। तो डॉ यहाँ पे बॉर्डर्स का है, इसके बाद अलावा यहाँ पे कलर्स हैं, कलर यूज कर सकते हैं। ये आपका इंडेन में बताया दिया, मर्ज है, ये आपका रोटेशन है, आप रोटेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपकी करेंसीज है, करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो मेन फीचर होता है सर, वो नंबर फॉर्मेटिंग का होता है। नंबर फॉर्मेटिंग जो है मेन है, जिसको हम चाहते हैं। मेन का मतलब क्या है, जैसे आप अपने इस पे डेटा में मान लीजिए कि मुझे चेक नंबर लिखना है, ठीक है। अब चेक नंबर में 6 डिजिट का चेक नंबर आपको लिखना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे 00123N693 इस तरह से, मतलब कि आपका डिजिट कम होता है तो 0 लग जाता है आगे, तो आपका एक्सेल 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका एक्सेल जो है 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंगल कोट लगा के 00 और फिर 123 और इस तरह से डालना होता है, तब जाके आपका 0 एक्सेप्ट लेता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप टाइप कर रहे हैं तब ही ना, अगर किसी ने आपको टाइप करके दे दिया तब क्या करें। किसी ने मान लीजिए कि आपको इस तरह से टाइप करके दे दिया, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हमें कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, और कस्टम फॉर्मेटिंग में 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम 0 डाल दिए, तो आप देखिए 0 को मेंटेन कर दिए। तो नंबर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नंबर पे बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड नंबर डालता हूं, तो मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर कुछ इस तरह से डालने होते हैं, क्योंकि 8 डिजिट का तो मिलता ही है, लेकिन हमें 16 डिजिट ही दिखाने होते हैं, बीच में हमें 1 6 लगाने होते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 चार टाइम 0 दिए और इन्वर्टेड कॉमा में हम एक्स जोड़ते हैं और फिर 1 2 3 4 चार टाइम हमने 0 लगा दिया। एंटर प्रेस कीजिए। अब मैं यहाँ पे 8 डिजिट लिख के एंटर मारूंगा, ऑटोमेटिकली जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आ जाएगा। किसकी बदौलत, आपका नंबर फॉर्मेट की बदौलत। तो नंबर फॉर्मेट जो कि हमारी अगली क्लास की इंपॉर्टेंट इसी है, आप तब तक क्या करें कि इससे पहले की जो चीजें मैंने बताई है ना, उसको एक बार प्रैक्टिस करें।